शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की अपकमिंग फिल्म जब हैरी मेट सेजल का हवाएं सॉन्ग हो चुका है रिलीज और बहुत ही ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और दिल से जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड स्पाई ने 5 ऐसी खूबसूरत चीजें इस सॉन्ग में से नोटिस करी हैं। 5 बेस्ट थिंग्स लेकर आएगा बॉलीवुड स्पाई, यानी कि मैं राहुल भोज, एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीतम दा ने हमारी नब्ज को पकड़ा है। कंपोजर प्रीतम दा ने ये सॉन्ग कंपोज किया है और बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने चाहने वाले या आप जिससे प्यार करते हैं उनकी इमेज आपके दिमाग में ज़रूर आएगी। सेकेंड पॉइंट, अरिजीत सिंह की मेलोडियस वॉइस। अरिजीत सिंह ने बहुत ही ज़्यादा सोलफुल और मेलोडियस गाने दिए हैं। अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो अरिजीत की जो आवाज़ है वो आपकी आत्मा को छू कर जाती है। अगर आप ये सॉन्ग हेडफोन लगाकर प्यार से रिलैक्स वे में सुनते हैं तो आई एम श्योर गाइज एंड आई बेट यू आपके भी दिल को ये आवाज़ ज़रूर छुएगी। सो अरिजीत साहब, आपको भी बॉलीवुड स्पाई की तरफ से थम्स अप। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अनुष्का शाहरुख की क्रैकलिंग केमिस्ट्री। शाहरुख और अनुष्का की ये तीसरी फिल्म है और जितने कंफर्टेबल और कंपैटिबल इस फिल्म में, इस सॉन्ग में लग रहे हैं वो इससे पहले बाय गॉड वो नहीं लगे। शाहरुख और अनुष्का का ये जो चार्म है जो हम पर्दे में देखते हैं ये सच में सराहनीय है। चौथा पॉइंट यानी कि लोकेशन। लोकेशन की मैं बात करूँ तो इम्तियाज़ अली की फिल्मों में अक्सर हमें घूमने का मौका मिलता है। उनकी जो फिल्में होती हैं वो हमें अलग अलग डेस्टिनेशन लेकर जाती हैं, तो इस बार इम्तियाज़ साहब हमें ले जा रहे हैं इस हवाई सॉन्ग के ज़रिए बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में ये पूरी तरह से शूट हुआ है और मैं बता दूं आपको, जब इसकी शूटिंग हो रही थी तब उस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और आप अनुष्का और शाहरुख को देख सकते हैं किस कपड़ों में हैं वो। तो सच में गाइस, अनुष्का शाहरुख आपको भी बॉलीवुड स्पाई की तरफ से एंड साथ ही साथ इम्तियाज़ अली को बॉलीवुड स्पाई की तरफ से थम्स अप। पांचवा और सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिरिक्स। इसे पेन डाउन किया है इरशाद कामिल साहब ने। इरशाद सर का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जॉनर है लेकिन उन्होंने हवाएं शब्द के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। एक इंटरव्यू में जब इम्तियाज़ अली से पूछा गया कि सर हवाएं क्यों, आपने इसे रोमांस में क्यों लेकर आए, तो उन्होंने बोला कि ये कहानी के साथ जस्टिफाई करती हैं। जिस तरीके से हवाएं किधर से आती हैं, किधर जाती हैं, किधर ठहरती हैं, उसी तरीके से फिल्म की जो पूरी स्टोरी लाइन है, मैं बताऊंगा नहीं कि क्या है, वो भी सेजल का कैरेक्टर कह लें या फिर हम हैरी का कैरेक्टर कह लें, वो भी हवाओं की तरह है। किस तरफ से आएगा, किधर जाएगा, किधर ठहरेगा, ये तो हम 4th of August को ही पता कर पाएंगे। सो गाइज, ये तो थे 5 ऐसे फैक्ट्स और 5 ऐसे बेस्ट मोमेंट्स जो हमने सॉन्ग में ऑब्जर्व करें, नोटिस करें। आपको क्या लगता है, क्या ये पॉइंट सही लगे आपको, आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, उसके लिए आप कुछ नहीं कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है बॉलीवुड स्पाई, जो कि पहुंचाता है, रिमेंबर, सबसे तेज एक्सक्लूसिव न्यूज ऑफ बॉलीवुड। हवाई हवाई हवाई, बाय बाय।